हेलो एवरीवन, प्रकाश ज्ञान सागर में आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के दूसरे चैप्टर पुष्पीय पादपों में जनन को पढ़ेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं क्या होता है पुष्पीय पादपों में जनन। सबसे पहले हम लोग को जानना जरूरी है कि पुष्प क्या होता है। तो पुष्प किसी पौधे के अंदर एक जनन अंग होता है। जिस तरह मनुष्यों के अंदर जनन अंग पाए जाते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधा के अंदर भी जनन अंग पाया जाता है और उस जनन अंग का नाम होता है फूल। अर्थात फूल ही पेड़ पौधा के अंदर किसका कार्य करता है, जनन कार्य करता है। यानी जनन अंग कौन सा है, पुष्प है, जो आवृतबीजियों के अंतर्गत आता है। यह किसके अंतर्गत आता है, यह आवृतबीजी पेड़ पौधों के अंतर्गत आता है। पुष्पों की खेती फ्लोरिकल्चर कहलाती है, अर्थात फूल बोना और फूल बोने की जो विधि होती है, इसके उत्पादन करना, इसको बेचना, बहुत आजकल समाज में इसका मांग है। जैसे कि शादी ब्याह में गाड़ी सजाना, मंदिरों को सजाना, हर एक जगह पे फूल का काम है, इसलिए इसकी बहुत बड़े पैमाने पर खेती की जाती है और इससे बहुत ही प्रॉफिट होता है। तो इसका जो खेती किया जाता है वह खेती करने की प्रक्रिया फ्लोरिकल्चर कहलाती है। आगे पुष्प के द्वारा पौधों में लैंगिक प्रजनन होता है। कौन सा प्रजनन होता है, लैंगिक प्रजनन होता है। पुष्प के जनन अंग जो है वो होते हैं उमंग और जयांग। पुष्प के जो प्रजनन अंग होते हैं वो होते हैं उमंग और जयांग। इसमें समझने वाली बात होती है सबसे ज्यादा कि पुमंग क्या है। तो पुमंग एक नर भाग होता है जबकि जयांग एक मादा भाग होता है। पुष्प का बहुत बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा गया है कि पुष्प का नर जनन अंग कौन सा होता है। तो पुष्प का नर जनन अंग होता है पुमंग। अर्थात जो पुमंग होता है यह नर होता है और जयांग क्या होती है, मादा होती है। याद करने के लिए साधारण सा बात है कि प से पुरुष अर्थात नर, और एक याद हो जाएगा तो दूसरा का आप लोग को याद हो जाएगा। आगे इस पुष्प के जनन अंग में कुछ सहायक अंग भी होते हैं, जैसे बाह्य दलपुंज और दलपुंज। यानी कि पुष्प को चार भागों में हम लोग बांट सकते हैं। एक को कहते हैं बाह्य दलपुंज, एक को कहते हैं दलपुंज, एक को कहते हैं पुमंग और एक को कहते हैं जयांग। कुल पुष्प के कितने भाग होते हैं, चार भाग होते हैं, जिसमें से बाह्य दलपुंज और दलपुंज एक सहायक अंग है, जबकि पुमंग और जयांग, जो पुमंग है पुमंग और जयांग ये दोनों जनन अंग है और ये दोनों सहायक अंग के रूप में कार्य करते हैं। पुष्पों की संरचना कैसी होती है, तो देखिए पुष्पों में जयांग जो होता है, जयांग यह पुष्प के वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, वर्तिका यानी स्टाइल, अंडाशय यानी ओवरी के समूह को स्त्री केसर कहते हैं। जो कि पुष्प के अंदर जो वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, अंडाशय होता है, इन सभी के समूह को स्त्री केसर कहा जाता है और स्त्री केसर के इन्हीं समूहों को आगे चल करके जयांग कहा जा सकता है, जयांग कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय के समूह को हम क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं। यानी कि यह मादा जनन अंग होता है जयांग, और इसमें अंडाशय पाया जाता है, वर्तिकाग्र पाया जाता है, वर्तिका पाया जाता है। आगे चल के इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी इतना जानना जरूरी है कि जयांग के अंतर्गत कौन कौन से पार्ट आते हैं पुष्प के, तो इसके अंतर्गत आता है वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा, वर्तिका यानी स्टाइल, और अंडाशय यानी कि ओवरी इसके अंतर्गत आता है। जयांग पुष्प का मादा जनन अंग होता है। एक वही चीज बताया गया है, अलग से बताया गया ताकि आप लोगों को ज्यादा ध्यान में रहे कि जो जयांग होता है, जयांग पुष्प का भाग, यह एक मादा जनन अंग है। पुष्प में मादा कार्य करता है और इसके अंदर अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र जैसी संरचनाएं पाई जाती है। पुष्प का बाहरी भाग, पुष्प से बाहरी भाग से अंदर की ओर जब जाते हैं, जैसे एक पुष्प ले लिया जाए सबसे ऊपर, उसके अंदर ऐसे पढ़ा जाए तो सबसे ऊपर जो संरचनाएं आती है इसको कहते हैं बाह्य दलपुंज। दूसरी जो संरचना होती है वह कहलाती है दलपुंज। इसके बाद पुमंग आता है और फिर जयांग आता है। यह एक फूल का पार्ट है जो संरचना समझने के लिए बनाई गई है, फूल की संरचना है। ऐसे इसको और भी बनाया जा सकता है, यहाँ पे जैसे कि जो फूल का जो पार्ट होता है उसको भी बनाया जा सकता है।
देखिए यह जो संरचनाएं होती है इसमें यहां पर जो पत्तियां निकली होती है, यहां पर जो सबसे नीचे कली जब पुष्प रहता है तो उस पर से हरा हरा पत्तियां उसको पकड़े हुए रहती है। यह जो पुष्प का भाग होता है वह बाह्य दल पुंज कहलाता है। यह क्या कहलाता है? बाह्य दल पुंज कहलाता है। जबकि यह पत्तियां जो फूल होता है, जो उसकी पंखुड़ियां होती है, पंखुड़ियां, उन्हें हम दल कहते हैं और दलों के समूह को आगे चल के दलपुंज कहा जाता है। यह आपको आगे और भी बढ़िया फिगर जब इस जो ये सब समझाएंगे, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जयांग, उसमें और बढ़िया समझाएंगे। यह फिगर केवल हम लोग के पुमंग और जयांग को समझाने के लिए है, इसलिए इसको हटा देते हैं और आप लोगों को पुमंग ज्ञान के बारे में समझाते हैं। देखिए यह पुष्प जो है, आप लोग अरहुल का फूल देखे होंगे, अरहुल का फूल, उसमें पीला पीला कलर का एक धागा नुमा संरचना के ऊपर पीला पीला चीज रहता है। यही पीला पीला जो चीज होता है यह पराग कोष कहलाता है। जो अरहुल का फूल होता है उसमें पतली पतली धागा नुमा संरचनाएं होती है, उसी के ऊपर पीला पीला पराग कोष पाया जाता है और इसी पराग कोष के अंदर पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? इसी पराग कोष के अंदर पराग कण पाए जाते हैं, पराग कण पाए जाते हैं, ठीक है। यह एक संरचनाएं होती है। किसकी संरचना ऐसी होती है? आप लोग फूल को देखोगे जब गौर से तो ऐसी संरचनाएं आपको फूल में मिलेगी। यह तंतु कहलाती है। ये जो धागा होता है, धागा, यह धागा क्या कहलाती है? यह धातु तंतु कहलाती है, यानी फिलामेंट कहलाती है। इसका तो कोई कार्य नहीं होता है, इसका काम होता है केवल पुंकेसर को पकड़े रहना और इसी के सहारे पुंकेसर टिका होता है। लेकिन इस पराग, यह जो यह तंतु होता है, इसके ऊपर पराग कोष पाए जाते हैं और पराग कोष में ही पराग कण पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। पराग कोष तंतु से सटा होता है और इस पराग कोष और तंतु के समूह को हम पुंकेसर कहते हैं, यानी स्टामेन कहते हैं। किस किसको? तो जो पुरुष भाग होता है, इसमें जो पराग कोष होता है और तंतु होता है, मतलब ये जो तार है, धागा, यह और यह जो पराग कोष है, इनके समूह को, मतलब इस सब समूह को हम पुंकेसर के नाम से जानते हैं। मतलब ये सब हमारे लिए क्या हो गया? पुंकेसर हो गया। और इसी पुंकेसर को, इन सब पुंकेसरों के समूह को हम पुमंग कहते हैं। और पुमंग एक प्रकार का नर जनन अंग होता है। पुष्प के अंदर यह नर जनन अंग का कार्य करता है। एंड्रोसियम इसे कहा जाता है। आगे यह जो पुष्प में आप लोग देखे होंगे व्हाइट कलर, ऐसे अरहुल के फूल में पिंक कलर का होता है, एकदम मोटा सा निकला होता है और ऊपर जाकर के ऐसी संरचनाएं पाई जाती है, जो सबसे ऊपर संरचनाएं पाई जाती है, इन संरचनाओं को वर्तिकाग्र कहते हैं। यह संरचना वर्तिकाग्र कहलाती है। जबकि यह जो पिंक कलर का जो पार्ट होता है, इसे हम वर्तिका या स्टाइल कहते हैं। इसके अंदर आप जाइएगा तो ये अंडाशय कहलाता है। यह क्षेत्र क्या कहलाता है? तो यह क्षेत्र अंडाशय कहलाता है। और अंडाशय के अंदर ऐसी संरचनाएं होती है और इस संरचनाओं के अंदर जो पाया जाता है, इसे हम अंडक कहते हैं। इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? तो अरहुल के फूल जब आप लोग देखिएगा तो उसमें पिंक कलर का एक मोटा सा तंतु निकला होता है, जिसके ऊपर की संरचना वर्तिकाग्र कहलाती है। जिसके सहारे खड़ा रहता है वह वर्तिका कहलाती है। और उसके नीचे अंडाशय पाया जाता है, यानी ओभरी पाया जाता है, और अंडाशय के अंदर अंडक पाया जाता है। यह पुष्प जिस पर खिलता है वह डंठल जो होता है, पुष्पासन, मतलब पुष्प के बैठने का जो आसन होता है, वही पुष्पासन कहलाता है। अर्थात यह चीज आपका क्या कहलाता है? यह पुष्पासन कहलाता है। वर्तिका और वर्तिकाग्र और ओभरी के समूह को स्त्री केसर या पिस्टल कहा जाता है। स्त्री केसर के समूह को जयांग कहा जाता है। और जयांग क्या होता है? मादा जनन अंग होता है। पुष्प में मादा जनन अंग कौन होता है? जयांग होता है। यह आप लोगों के पुष्प की संरचना थी। इसके अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे क्या होते हैं बाह्य दलपुंज, क्या होता है दलपुंज, कौन रंगीन पार्ट होता है, क्या होता है जयांग की संरचना, क्या होती है पुमंग की संरचना। तत्काल के लिए इतना काफी है। आप लोग इसको तब तक ध्यान में रखिए। दूसरे वीडियो तक जय हिंद, जय भारत।